हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर मैं स्वरूप सर आपका झारखंड के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। छात्रगण, जैसा कि हमारा चैप्टर जारी है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जो आपके जेपीएससी पीटी पेपर टू का एक पाठ्यक्रम का भाग है, जिस चैप्टर से कम आपसे 10 से 15 नंबरों का प्रश्न पूछा जाएगा। छात्रगण, मैंने बताया कि झारखंडी साहित्य साहित्यकारों को 3 श्रेणियां है, एक आदिवासी साहित्य, सदानी साहित्य और हिंदी साहित्य। हमने अभी तक आदिवासी साहित्य और साहित्यकार चर्चा कर चुके हैं और अभी हमारा चैप्टर जारी है सदानी साहित्य और साहित्यकार। इस कड़ी में हमने अभी खोटा साहित्य साहित्यकार, नागपुरी साहित्य साहित्यकार की चर्चा कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कुरमाली और पंचपरगनिया साहित्य और साहित्यकारों की चर्चा करेंगे। छात्रगण, तो आपका हेडिंग होगा कुरमाली साहित्य और, या लिखिए, सिर्फ लिखिए कुरमाली साहित्य। कुरमाली, मेरा नोट्स कंटिन्यू चल रहा है, कुरमाली साहित्य। और इसका लिखिए पहला पॉइंट, कुरमाली भाषा मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। कुरमाली भाषा मागधी या मगधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है। उसमें कुर्मी एक जाति है, कुर्मी जाति देखिए ब्रैकेट में कुर्मी जाति की। इस भाषा के आधार पर इसका नामकरण हुआ ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरमाली भाषा का लिखित साहित्य वर्तमान में अत्यंत कम मिलता है। उसी में कुरमाली भाषा का प्रथम शोध या कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुरमाली साहित्य के अंतर्गत लगभग 14वीं सदी में कुरमाली शिष्ट साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। जिसकी जानकारी हमें चंडीदास की पुस्तक कर मालिक घंघर से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुरमाली भाषा के मुख्य कवि विनंद सिंह गौरंगिया को माना जाता है, जिन्हें कुरमाली का सूर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
18वीं सदी में एक अंग्रेज पादरी बेसहॉक मार्क 18वीं सदी में एक अंग्रेज पादरी बेसहॉक मार्क ने कुर्माली भाषा नामक पुस्तक लिखी। 18वीं सदी में एक अंग्रेज पादरी बेसहॉक मार्क ने कुर्माली भाषा नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, विनोद सिंह के गीतों को आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कुर्माली भाषा के प्रमुख रचनाकारों में नाम आता है निरंजन महतो, देवकी नंदन प्रसाद, जगदीश चंद्र, नलिनी रंजन इत्यादि का नाम आता है नेक्स्ट पॉइंट, कुर्माली साहित्य से संबंधित कुछ प्रमुख रचनाएं और रचनाकार इस प्रकार है आप लोग एक तरफ बनाइए कॉलम रचना और लिखिए, एक तरफ कॉलम बनाइए रचनाकार, लेफ्ट साइड बनाइए रचना और लेफ्ट साइड लिखिए रचनाकार, और रचना में नाम लिखिए, रचना में लिखिए जगरामी नारायण, रचना में किताब का नाम है जगरामी नारायण, रचनाकार हैं जगराम। नेक्स्ट है करम गीत, रचनाकार हैं बुद्धू महतो। नेक्स्ट, निधरे आँखी जल आँखी पाते, रचनाकार हैं देवकी नंदन प्रसाद। नेक्स्ट, नेठा पाला, निरंजन महतो। नेक्स्ट, कपिला मंगला, रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद महतो। नेक्स्ट, कुर्माली भाषा तत्व, रचनाकार हैं खुदी राम महतो। नेक्स्ट, भात भगवान मान भूमिक घंघौरा, रचनाकार हैं सृष्टिधर सिंह कटियार।
नेक्स्ट लिखिए, पंथे चलक लेहा नमस्कार, पंथे चलक लेहा नमस्कार पुस्तक का नाम है, पंथे चलक लेहा नमस्कार। रचनाकार हैं नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट लिखिए आप लोग, पंच परगनिया साहित्य, हेडिंग दीजिए पंच परगनिया साहित्य। पंच परगनिया साहित्य देखिए से, छोटा नागपुर के पांच परगना बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातु और सिल्ली में, छोटा नागपुर के पांच परगना बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातु और सिल्ली में बोली जाने वाली भाषा पंच परगनिया कहलाती है। उसी में नागपुरी के एक विशिष्ट रूप को ही, नागपुरी के विशिष्ट रूप को ही पंच परगनिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विनोदिया कवि या विनोद कवि को, विनोदिया कवि या विनोद कवि को पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पंच परगनिया भाषा का संबंध आर्य भारूपीय भाषा से है। पंच परगनिया भाषा का संबंध आर्य या भारूपीय भाषा से है। नेक्स्ट पॉइंट, पंच परगनिया शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आरंभ बिनंदिया या बुनोदिया कवि को माना जाता है जो सिल्ली के राजा थे। इनका रियल नाम है विनोद सिंह, जो सिल्ली के राजा थे। इन तथ्यों की जानकारी हमें एक पुस्तक है आमुख, इन तथ्यों की जानकारी आमुख पुस्तक से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, आदि झूमर गीत को पंच परगनिया शिष्ट साहित्य का प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पंच परगनिया के दूसरे महत्वपूर्ण कवि गौरंगिया या गोरांग सिंह को माना जाता है। यद्यपि इनके गीतों में बंगला भाव भाषा का प्रभाव है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार पंच परगनिया शिष्ट साहित्य का तीसरा कवि
सुवरण को चौथा कवि बरजू राम को वहीं दीन या दीना को पांचवा कवि माना जाता है। इनमें से सुवरण को कबीर पंथी कवि कहा जाता है। इनमें से सुवरण को कबीर पंथी कवि कहा जाता है। कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट, पंच प्रगनिया के आधुनिक रचनाकारों में मुख्य हैं ज्योतिलाल महादामी कौमा दुर्गा प्रसाद कौमा प्रेमानंद महतो। ज्योतिलाल महादामी कौमा दुर्गा प्रसाद कौमा प्रेमानंद महतो कौमा सृष्टिधर महतो कौमा विपिन बिहारी आदि आदि। नेक्स्ट पॉइंट, पंच प्रगनिया भाषा नामक रचना, किताब का नाम है पंच प्रगनिया भाषा नामक रचना, रचनाकार हैं परमानंद महतो। पंच प्रगनिया भाषा नामक रचना के रचनाकार हैं परमानंद महतो। इसी प्रकार आमुख रचना का नाम है, इसी प्रकार आमुख नामक पुस्तक मतलब लेखक, इस प्रकार आमुख नामक रचना के लेखक हैं उपेंद्र नाथ सिंह। तो छात्रगण, अभी हमने खत्म किया झारखंड के सदानी साहित्य और साहित्यकार के अंतर्गत खोरठा, नागपुरी, पंच प्रगनिया और कुरमाली। मैंने पहले ही बता दिया था कि झारखंड के साहित्य और साहित्यकारों को तीन भागे बांटते हैं, एक आदिवासी जनजातीय साहित्य जिसके अंतर्गत संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक साहित्यकारों की चर्चा मैंने किया। दूसरा था सदानी साहित्य जिसके अंतर्गत हमने खोरठा, पंच प्रगनिया, कुरमाली, नागपुरी साहित्य और साहित्यकारों की चर्चा किया। तत्पश्चात हम आ रहे हैं अब झारखंड के हिंदी साहित्य और साहित्यकार की चर्चा अब यहाँ करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य और यहां लिखेंगे आप जर्मन मिशन द्वारा। हिंदी साहित्य का फर्स्ट पॉइंट है जर्मन मिशन द्वारा धर्म प्रचार के लिए जर्मन मिशन द्वारा धर्म प्रचार के लिए 1872 ईस्वी में हिंदी में घर बंधु नामक पत्रिका शुरू की। जर्मन मिशन द्वारा धर्म प्रचार के लिए 1872 ईस्वी में हिंदी में घर बंधु नामक पत्रिका शुरू की, जो झारखंड की पहली पत्रिका है।
जो झारखंड की हिंदी साहित्य की पहली पत्रिका है। नेक्स्ट पॉइंट, 1892 ईस्वी में भाग्यवती देवी ने वनिता हितैषी, 1892 ईस्वी में भाग्यवती देवी ने वनिता हितैषी नामक समाज सुधारक पत्रिका रांची से निकालना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1898 ईस्वी में आर्यावर्त का प्रकाशन हुआ। बाद में 1918 ईस्वी में लोकमान्य तिलक से उत्प्रेरित युवकों संतुलाल बुधिया, रामदेव मोदी आदि ने मिलकर, इसी प्रकार 1918 में लोकमान्य तिलक से उत्प्रेरित होकर युवकों संतुलाल बुधिया, रामदेव मोदी आदि ने मिलकर हिंद स्वाधीन पुस्तकालय की स्थापना रांची में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 ईस्वी में माम राज शर्मा ने छोटा नागपुर पत्रिका निकाला। नेक्स्ट पॉइंट, 1929 ईस्वी में राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में राधा कृष्ण की पहली कहानी सिन्हा साहब प्रकाशित हुई। उसी में हिंदी साहित्य में जो सम्मान प्रेमचंद का है वही सम्मान राधा कृष्ण को झारखंड के हिंदी साहित्य में है नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के हिंदी कहानी साहित्य के अंतर्गत झारखंड के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार बैद्यनाथ पोद्दार उर्फ बैजू बाबू को माना जाता है, जबकि राधा कृष्ण को द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसका नाम सिन्हा साहब था। यद्यपि उन्होंने सोमनाथ के नाम से हास्य रचनाएं लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, राधा कृष्ण की अन्य पुस्तकें थी रूपांतर, सब कहानी संग्रह है, रूपांतर,
बोगस सनसनाते सपने, सजला भारत छोड़ो सपने बिकाव हैं, भारत छोड़ो सपने बिकाव हैं, ढेला पात या ढेला पत्ता बिगड़ी हुई बात आदि। राधा कृष्ण के अन्य पुस्तकें हैं जो कहानी है, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सजला, भारत छोड़ो सपने बिकाव हैं, ढेला पत्ता बिगड़ी हुई बात आदि। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंडी हिंदी कहानियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण झारखंडी हिंदी कहानियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण कहानीकारों में शामिल हैं शिवनंदन शर्मा ने अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानियां लिखी, अल्बर्ट कृष्ण अली के नाम से कहानियां लिखी एवं इनकी अन्य कहानियां हैं आदि अनादि इत्यादि, आदि अनादि इत्यादि, कलिक पुराण, नेक्स्ट पॉइंट। 1956 ईस्वी में राधा कृष्ण की 27 लघु कथाओं का संग्रह, 1956 ईस्वी में राधा कृष्ण की 27 लघु कथाओं का संग्रह गल्पिका, गल्पिका 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 का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, शिवनंदन शर्मा के कहानी संग्रह का नाम है कांच के तूफान और पंच दस तंत्र। शिवनंदन शर्मा के कहानी संग्रहों का नाम है कांच के तूफान और पंच दस तंत्र। इसी प्रकार काशीनाथ पांडे की कहानियां का संग्रह है कहानी, इसी प्रकार काशीनाथ पांडे की कहानियों का संग्रह है कहानी, कौमा दीजिए, धर्मयुग, कौमा, नई कहानी। जबकि रामचंद्र वर्मा के कहानी संग्रह का नाम है उसर की दूब, उसर की दूब। तथा दुम्बी हो, कौन दीजिए, आसमान तारा, मूछ की लड़ाई, चलो बादल में छिप जाएं। तथा दुम्बी हो, आसमान तारा, मूछ की लड़ाई, चलो बादल में छुप जाएं कहानी के कहानीकार हैं योगेंद्र नाथ सिन्हा। तथा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी के कहानीकार हैं विद्या भूषण, विद्या
भूषण। तो छात्रगण, अभी हम झारखंड के साहित्य के अंतर्गत हिंदी, झारखंडी हिंदी साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ झारखंडी हिंदी साहित्य की चर्चा के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं कविता की, कहानी का, उपन्यास का, नाटक का, परंतु आज हम क्लास में केवल मुख्य रूप से झारखंडी साहित्य का उत्थान का परिचय दिया और झारखंड के प्रमुख कहानी और कहानीकारों की चर्चा किया। छात्रगण, मैं नेक्स्ट क्लास में झारखंडी साहित्य हिंदी के अंतर्गत प्रमुख नाटक, उपन्यास और कविता को लेकर हाजिर होंगे। तब तक ओके, थैंक यू।